दुख का दरिया शर्म का समंदर होता है, सबसे खौफनाक भूख का मंजर होता है। लोगों को पेट के लिए क्या क्या करते देखा है, मैंने भूख को भी भूख से मरते देखा है। पेट की भूख के लिए आज किसी को जिंदगी से लड़ते देखा, कुछ इस कदर मैंने मजबूरी को पल पल मरते देखा। कुछ ऐसा ही मंजर आज अलंद के खजूरी बाउंड्री के उस पार देखने मिला। भूखे प्यासे लोगों की फरियादें दिखी और नन्हे मासूम बच्चों के आंसू दिखे। ये वो लोग हैं जो अपने काम के शहर से अपने गांव के ओर पलायन कर रहे थे, जिन्हें बनाए गए चेकपोस्ट पर दो दिनों से रोका गया है। इनकी संख्या लगभग 600 से 700 है। इनके सरों पर ना छत है, ना खाने के लिए खाना, ना पीने के लिए पानी और ना ही दवाइयाँ। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, देखकर दर्द किसी का जो आ निकल जाती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बनाती है। और ऐसे ही कुछ अलंद के लोगों को इनका दर्द महसूस हुआ और ये लोग मदद के लिए उस जगह पहुंच गए। हाजी मुस्तफ़ा हफीज साहब अंसारी, इदरीस अंसारी, प्रॉपराइटर ऑफ सुल्तान मार्केटिंग, मोहम्मद वसीम अंसारी, ये सभी लोग पानी और खाने की चीज़ों को उन मजबूर लोगों तक पहुंचाया और इंसानियत की मिसाल कायम की। ना जाने ऐसे कितने लोग इसी तरह भूखे प्यासे इस गर्मी में रास्तों पर फंसे हुए हैं, जो इस उम्मीद में सांसें ले रहे हैं कि कुछ फरिश्ते उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाओ। इंसान जिंदा रहेगा तो पैसा काम करेगा, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो पैसा क्या काम करेगा। ऊपर वाले के नाम पर हम तो रोड़ों पर लंगर लगाते आए हैं और आज उन्हीं रोड़ों पर लोग भूखे मर रहे हैं। ध्यान रहे, इंसानियत ही हर मज़हब की पहली पहचान होती है।